नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में महापौर दयाशंकर तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी समेत मनपा के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। महापौर ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन अहम है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस साल भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का गठन हुआ था। देश भर में वही नागपुर शहर में गणतंत्र दिवस का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसका आगाज गणतंत्र दिन की पूर्व संध्या से देखने मिला। पूरे शहर में सभी चौराहे रोशनाई से जगमगा उठे थे। शहर के सभी शासकीय भवनों में रोशनाई की गई। वही बुधवार को नागपुर मनपा कार्यालय में शहर के प्रथम नागरिक महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उपस्थित मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी समेत सभी ने तिरंगे को सलामी दी। वही इस दौरान भारतीय संविधान का पठन किया गया। भारताचे संविधान उद्देशिका आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व राष्ट्राची एकता। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में मनपा कार्यालय में उपस्थित सभी अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने कोरोना काल में सभी की स्वास्थ्य की रक्षा करने की शपथ ली। व्यक्तीला जवळच्या आरोग्य केंद्रामध्ये जाण्यासाठी प्रेरित करेन, मदत करण्याची मी दक्षता घेईन। जर माझ्या जवळपास खाणे फिरणे याबाबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही। मी अशी सुद्धा शपथ घेते की यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील राहील। कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी ने सभी को संबोधित करते हुए 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।